अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह रिव्यूज़, मैं हुशाम मदीद। आज हम रिव्यू करेंगे टोयोटा रेवो वी 2.8 ऑटोमेटिक का। तो सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का 360 वॉकराउंड देना चाहूँगा ताकि आपको इस गाड़ी की लुक का आइडिया हो जाए। बेसिकली इस गाड़ी में 8 वेरिएंट्स आते हैं। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं ये इस सीरीज़ का टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, टोयोटा रेवो वी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें एंड डिटेल्स से भी आप इस गाड़ी का व्यू देख लें। आपके सामने इस वक्त टोयोटा रेवो वी है जो कि 2.8 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। प्राइस की अगर बात शुरू में ही कर ली जाए तो इस गाड़ी की जो प्राइस है वो 70,41,000 इस गाड़ी की इनवाइस प्राइस है। अगर कोई बंदा इस गाड़ी को खरीदने में इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे शोरूम के नंबर शो हो रहे हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। फ्रंट की आप अगर पूरी लुक देखें तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़े साइज़ में इस कार की फ्रंट लुक आती है। हेडलाइट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लो बीम के लिए प्रोजेक्टर लाइट दी गई है और हाई बीम के लिए हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर की तरफ देखें तो DRL है और साथ इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल है जो कि हैलोजन बल्ब में दिया गया है। नीचे की तरफ देखें तो फोग लाइट है जिसमें हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। हॉरिजॉन्टल शेप में इस कार की फ्रंट ग्रिल डिज़ाइन की जाती है जो कि ब्लैक और क्रोम के कॉम्बिनेशन में आती है। दरमियान में टोयोटा का लोगो है जो कि साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जो कि आप देख सकते हैं। ऊपर की बात की जाए तो ऊपर वाइपर्स एंड साथ वॉशर जो कि आप देख सकते हैं। फ्रंट से जो चीज़ मिस की जाती है वो है फ्रंट व्यू कैमरा और साथ पार्किंग सेंसर जो कि इसके फ्रंट में अवेलेबल नहीं है। और अब बात कर लेते हैं गाड़ी की साइड लुक के बारे में। काफ़ी बड़े साइज़ में इस गाड़ी की साइड लुक है जो कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इस घर की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 286 mm इस घर की ग्राउंड क्लियरेंस है। टायर साइज़ की अगर बात की जाए तो 265/60 इस घर का टायर साइज है जो कि 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ आता है। और इस घर में फ्रंट पे आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलेगी। फ्रंट अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो डबल विशबोन सस्पेंशन इस घर के फ्रंट के लिए यूज़ की गई है। ये गाड़ी ABS ब्रेक के साथ आती है। फेंडर पर कोई भी टर्न सिग्नल अवेलेबल नहीं है। क्रोम में इस गाड़ी का साइड व्यू मिरर डिज़ाइन किया जाता है जो कि LED टर्न सिग्नल के साथ आता है। ऑटो रिट्रैक्टेबल ये मिरर है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे हाइलैक्स 2.8 D4D की बैजिंग मिलेगी जो कि क्रोम में दी गई है। क्रोम में इस गाड़ी के डोर ओपनर डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि स्मार्ट एंट्री के साथ आते हैं। अब विंडोज़ के नीचे की तरफ देखें तो क्रोम चिक ट्रिमिंग मिल रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रही है गाड़ी को। और अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में तो 80 लीटर डीजल आप इस गाड़ी के फ्यूल टैंक में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा रियर व्हील में ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है जो कि लीफ सस्पेंशन के साथ आता है। और यहाँ पे आपको 4x4 ऑफ लॉक का स्टिकर दिया गया है जो कि गाड़ी की लुक को मजीद इन्हेंस करता है। काफ़ी बड़े साइज में इस गाड़ी की साइड लुक है। बैक लुक की बात की जाए तो काफ़ी खूबसूरत इस गाड़ी की बैक लुक है जो कि आप देख सकते हैं। हाई माउंटेड बॉर्ड लाइट है जो कि LED में दी गई है। उसके बाद क्रोम डोर हैंडल है जो कि आप देख सकते हैं। रियर व्यू कैमरा प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा इस गाड़ी में। टोयोटा की बैजिंग है। टेल लाइट्स की अगर बात की जाए तो इसमें ब्रेक लाइट्स, टर्न सिग्नल और रिवर्स लाइट हैलोजन बल्ब में प्रोवाइड किया गया है जो कि आप देख सकते हैं। रिफ्लेक्टर की ऑप्शन इस गाड़ी की टेल लाइट्स में नहीं आती। क्रोम में इस गाड़ी का रियर बम्पर डिज़ाइन किया जाता है जिसमें पार्किंग सेंसर और रिफ्लेक्टर अवेलेबल नहीं है। हाइलैक्स वी की बैजिंग यहाँ पर दी गई है। रेवो की बैजिंग है नीचे जो कि आप देख सकते हैं। ये आप इस गाड़ी का बेड देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। प्लास्टिक में ये डिज़ाइन किया गया है। और अगर आप सामने वाली साइड पे देखें तो आपको टोयोटा का लोगो मिलेगा जो कि प्लास्टिक में डिज़ाइन किया गया है। ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री के साथ आती है। इंटीरियर का व्यू भी आप देख लें। ड्राइवर डोर की बात की जाए तो डोर लैचेज है जो कि क्रोम में दिए गए हैं। साथ लॉक और अनलॉक का बटन दिया गया है। तमाम पावर विंडोज़ इसकी इलेक्ट्रिक हैं और तमाम ही ऑटो हैं। सेंट्रल लॉकिंग का बटन है और इसके साथ विंडो को लॉक करने के लिए बटन दिया गया है। साइड व्यू मिरर की एडजस्टमेंट के लिए बटन दिया गया है और उसके बाद साइड व्यू मिरर्स को फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए बटन यहाँ पर दिया गया है। और मेस्ट है जो कि लेदर में डिज़ाइन किया गया है। नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है और साथ बोतल होल्डर है। और इसके अलावा फ्रंट डोर में आपको स्पीकर की ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी। लाइट की ऑप्शन भी इसके ड्राइवर डोर में प्री इंस्टॉल दी गई है।
सीट्स की बात की जाए तो इस कार में काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं जो कि लेदर मटेरियल में दी गई हैं, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आती हैं और ये सिक्स वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं जो कि लेदर रैप्ड होती हैं। ये आप देख सकते हैं इनकी एडजस्टमेंट, लेदर सीट्स हैं इस गाड़ी में, लेकिन ये हीटेड नहीं है, ये हीटेड के बगैर है, ये सिंपल सीट्स हैं इसकी जो कि आप देख सकते हैं। ड्यूल टोन में इस गाड़ी का डैशबोर्ड डिज़ाइन किया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है। मटेरियल की बात की जाए तो सॉफ्ट प्लास्टिक मटेरियल इस गाड़ी के डैशबोर्ड के लिए यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है। स्टेयरिंग व्हील की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी में थ्री स्पोक हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग दिया गया है जो कि लेदर रैप्ड है और ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। इसके ऊपर मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं, वॉइस कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल है और उसके बाद MID के कंट्रोल्स इसके स्टेयरिंग व्हील पर दिए गए हैं। और इसके अलावा ये ब्लैक और सिल्वर की कॉम्बिनेशन में आता है। इसके ऊपर SRS एयरबैग भी अवेलेबल है, दरमियान में ट्योटा का लोगो है जो कि क्रोम में है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो इसमें राइट साइड पे आपको स्पीडोमीटर दिया गया है जिसके साथ फ्यूल गेज है, 200 इस गाड़ी की टॉप स्पीड लिमिट की गई है। लेफ्ट साइड की बात करें तो RPM मीटर है, नीचे हीट गेज है, दरमियान में आपको MID डिस्प्ले मिलेगा जिसमें आउटसाइड टेम्परेचर, गियर पोजिशन इंडिकेटर और गाड़ी के हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी। और यहाँ पे एक एयर वेंट दिया गया है जो कि क्रोम और सिल्वर और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में आता है जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी को। इंजन स्टार्ट और स्टॉप बटन आपको यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपको बॉनट और फ्यूल टैंक ओपनर का बटन यहाँ पे दिया गया है, नीचे पेडल्स हैं, हेडलाइट्स कंट्रोल स्विच यहाँ पे है, वाइपर कंट्रोल स्विच आपको यहाँ पे दिया गया है और यहाँ से आप अपना क्रूज कंट्रोल कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो एयर वेंट दिए गए हैं जिसके दरमियान में आपको डिजिटल क्लॉक मिल रही है, हैजर्ड लाइट स्विच बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी में 7 इंच की कैपेसिटी टच स्क्रीन आपको दी गई है जिसमें नेविगेशन की ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड है। कैमरा इस गाड़ी की स्क्रीन में प्री इंस्टॉल दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं और ये USB पोर्ट के साथ आती है और उसके साथ मोबिलाइजर दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल प्री इंस्टॉल दिया गया है, आप अपनी मर्जी से इस गाड़ी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा राइट साइड पे आपको 4-व्हील ड्राइव कंट्रोल सिस्टम आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे की तरफ अगर देखें तो सिगरेट लाइटर के साथ आपको 3 बटन्स दिए गए हैं, सबसे पहला डिफरेंशियल लॉक का है, दूसरा डाउनहिल असिस्ट का है, तीसरा ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको बटन यहाँ पे दिया गया है। और उसके लेफ्ट साइड पे आपको USB ऑक्स वगैरह की ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिल रही है और साथ ही साथ चार्जिंग के लिए पोर्ट दी गई है जो कि फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। नीचे की तरफ देखें तो स्टोरेज कंपार्टमेंट है, 2 कप होल्डर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में आपको 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी गई है जो कि ट्रिप टॉनिक है, आप इसे मैनुअल और ऑटो दोनों पर ही चला सकते हैं। उसके साथ 2 मोड्स के बटन हैं जो कि एक इको मोड है और एक पावर मोड है, दोनों ही गियर नॉब के साथ दिए गए हैं। मैनुअल पार्किंग ब्रेक है, स्टोरेज कंपार्टमेंट है। लेदर रैप्ड में इस गाड़ी का आर्मरेस्ट डिज़ाइन किया जाता है जिसके अंदर आपको 220 वोल्टेज की पावर सॉकेट दी गई है जो कि 100 वोल्ट होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एयर वेंट मिल रहा है, ऊपर एयर बैग है, कूल बॉक्स और हॉट बॉक्स आपको यहाँ पे दिया गया है, नीचे ग्लव बॉक्स है जो कि आप देख सकते हैं। ऊपर की बात की जाए तो ऊपर सन वाइजर्स के ऊपर वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको 2 केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि आप देख सकते हैं, सनग्लास होल्डर है जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, बैक व्यू मिरर है, दूसरी तरफ सनशेड के ऊपर वैनिटी मिरर दिया गया है। और उसके बाद 1 केबल लाइट आपको यहां पे मिलेगी। रियर डोर की अगर बात करें तो यहां पे डोर ओपनर आपको क्रोम में दिया गया है, 7 लॉक और अनलॉक का बटन है, रियर विंडो भी इसकी ऑटो है और पावर्ड है, इसकी जो आर्मरेस्ट है वो लेदर में है, स्टोरेज कंपार्टमेंट है, बोतल होल्डर और साथ स्पीकर यहाँ पे दिया गया है। रियर सीट्स की अगर बात की जाए तो ये 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आती हैं और ये लेदर मटेरियल में है, दरमियान में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है जिसके ऊपर 2 कप होल्डर दिए गए हैं। लेग स्पेस की अगर बात की जाए तो इस कार में काफ़ी डिसेंट लेग स्पेस दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, 2 एयरवेंट रियर पैसेंजर के लिए दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। और इसके अलावा 1 विंडो आपको रियर स्क्रीन पर भी मिलेगी। इंजन की अगर बात की जाए तो इस कार में 2.8 लीटर का ड्यूल ओवरहेडेड कैम 16 वाल्व इंजन दिया गया है जो कि 4 सिलेंडर्स होता है और ये डीजल इंजन है। अगर मैं इसके हॉर्स पावर की बात करूं तो 175 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है जो कि 3400 RPM पे काम करता है। और अगर मैं इस गाड़ी के टॉर्क की बात करूँ तो 420 Nm टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है और ये 1400 RPM पे काम करता है।
और ये इंजन 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है जो कि टिप्टोनिका, आप इसे मैनुअल और ऑटो दोनों पे ही यूज़ कर सकते हैं। टोयोटा रेवो वी है 2.8 ऑटोमेटिक है जो कि सीरीज का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और अगर हम इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात करें तो इस गाड़ी की जो प्राइस है 70,41,000 इस गाड़ी की इनवाइस प्राइस है। और अगर कोई बंदा इस गाड़ी को खरीदने में इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे आपको शोरूम के नंबर्स जो हो रहे हैं आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था जी आज का रिव्यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।